स्ट्रेसेस, और वो क्वेश्चन में हम लोगों को परमिसिबल स्ट्रेसेस क्या कर रहा है, डायरेक्ट दे रहा है. तो आपको उस टाइम पे जब जहां पर भी लिखा होगा ना परमिसिबल स्ट्रेसेस, तो आपको उस टाइम पे आपको ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड नहीं करना है. इट मीन्स वो आपको जो स्ट्रेस की वैल्यू दे रहा है ना आपके मेटल की, जो भी आप यूज करोगे चाहे वो वेल्डिंग का या फिर पेरेंट मटेरियल का, तो इट मीन्स वो आपको परमिसिबल वैल्यू दे रहा है. तो आपको उस टाइम पे आपको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उसने ऑलरेडी आपको डिवाइड करके जितना वैल्यू परमिट करना है डिजाइन के अंदर उसने ऑलरेडी आपको बता दिया है. क्लियर है मैंने क्या बोला? तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा उस केस में, लेंथ ऑफ वेल्ड इनटू सिर्फ थिकनेस करना है. आपको उसने परमिसिबल स्ट्रेस सिर्फ दे दिया है, तो आपका क्लियर कट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ वेल्ड, ठीक है, और क्या बन जाएगा आप लोगों का, थ्रोट थिकनेस हो जाएगी वेल्ड की, ठीक है, और इनटू परमिसिबल स्ट्रेस. तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज करोगे अगर उसने क्वेश्चन में आपको गिवन है कि हम परमिसिबल स्ट्रेसेस यूज कर रहे हैं. क्लियर है मैंने क्या बोला? ठीक है, बस यही डिफरेंस मैंने आपको बताना था. सिमिलरली तो आप ये चीज ध्यान ही रख लेना, क्वेश्चन में अगर उसने बोला होगा परमिसिबल स्ट्रेसेस दिया भी होगा, तो ये 150 अगर कहीं पर भी अगर आपको दिख गया, तो इट मीन्स आपको सीधा उसको लेंथ ऑफ वेल्ड और थिकनेस से मल्टीप्लाई करना है, दैट्स इट. आपको ये दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब उसने ये आपको डायरेक्ट वैल्यू दे दी है, ठीक है. सिमिलरली अगर मैं फिलेट वेल्ड की बात करूं, हम √3 से डिवाइड करते थे, गामा MW लगाते थे, और फिर हम लोग क्या करते थे, FU की वैल्यू पुट करते थे. अब यहाँ पे वो केस नहीं है, यहाँ पे क्या करना है, सिंपल आपको मैं बता रही हूँ, यहाँ पर भी अगर फिलेट वेल्ड में आप लोगों को परमिसिबल स्ट्रेसेस गिवन होंगे 108 Nm/mm², तो डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लेंथ ऑफ वेल्ड इंटू थ्रॉट थिकनेस इंटू सीधा जो भी परमिसिबल उसने स्ट्रेस दे रखे हैं सीधा उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना. फिलेट वेल्ड में 108 होगा, और अगर आपका ये वाला केस है बट वेल्ड वाला, तो उसमें 150 Nm/mm² होगा. क्लियर है क्या बोला मैंने? नहीं क्लियर तो पूछो अभी. हाँ जी बोलिए. यस मैम क्लियर है. विकास, फनिश, क्लियर है मैम. सार्थक क्लियर. चलो फिर अब एक एग्जाम्पल भी करके देखते हैं कि कहने का मतलब दोनों में डिफरेंस क्या था. बस सिर्फ फर्क क्या था, अगर क्वेश्चन में आपको एफ वाई गिवन है, एफ यू गिवन है, तो कंप्लीट फॉर्मूला लगेगा क्योंकि परमिसिबल वैल्यू नहीं गिवन. अगर क्वेश्चन में परमिसिबल स्ट्रेसेस गिवन है तो आप सीधा डायरेक्ट परमिसिबल वैल्यू पुट करोगे, ठीक है. सिर्फ इतना फर्क है, क्योंकि अगर आप अपनी दूसरी ईगल वाली बुक्स देखोगे, फॉलो करोगे, तो वो पूरा स्टैंडर्ड मेथड से चला है. जैसे कोर्स में न्यूमेरिकल का फर्क है बस. अब वो डिपेंड करेगा, मान लो किसी टीचर ने कहीं से पेपर बनाया है, तो आपको आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए. क्लियर है? कहने का बस इतना फर्क है कि आप कंफ्यूज ना हो जब पेपर में अगर न्यूमेरिकल आएगा. पिछली बार में जो आपका पेपर देख रही थी उसमें जो क्वेश्चन आया हुआ था उसमें डायरेक्ट इसी तरह गिवन था, परमिसिबल स्ट्रेसेस दे रखे थे. फिर उस केस में अगर आपको नहीं पता होगा तो आप पूरा फॉर्मूला लगाने बैठ जाओगे, आप दोबारा से उसको डिवाइड ना कर दो, क्योंकि बच्चे ये गलती करते हैं. चलिए एक ही न्यूमेरिकल देखते हैं जरा. क्या है न्यूमेरिकल, पहला वाला देखते हैं. अब आप मेरे को बताओगे कि फर्क क्या है. बस क्या कह रहा है, 2 प्लेट्स हैं, 16 mm की प्लेट लेनी है हमें, ठीक है. थिकनेस कितनी है, 2 प्लेट्स ऑफ 16 mm, दे ईच आर ज्वाइंट बाय, पहला केस डबल वी बट, बट ज्वाइंट वाला केस चल रहा है, और दूसरा केस क्या है, सिंगल वी बट वेल्ड वाला ज्वाइंट, ठीक है. तो आपको बट वेल्ड में आपको याद हो आपको क्या बताया था, अगर डबल वी वाला होगा तो उसमें क्या करते थे हम लोग, कंप्लीट हमारा पेनिट्रेशन ऑफ वेल्डिंग मटेरियल होता था. सिंगल वी में क्या होता था, थ्रोट थिकनेस के लिए क्या था, याद है किसी को? 5/8 से मल्टीप्लाई करते, हाँ 5/8 से मल्टीप्लाई करते थे थ्रोट थिकनेस के लिए, ठीक है. अब यहाँ पे बस वर्डिंग में फर्क क्या है, सेम न्यूमेरिकल है दोनों, कोई ज्यादा फर्क नहीं. बस इसने यहाँ पे क्या दे दिया हम लोगों को, पहले तो क्या कह क्या रहा है, कैलकुलेट द मैक्सिमम टेंसाइल फोर्स, कितना टेंसाइल फोर्स ये झेल पाएगा वो निकालना है हमें, ठीक है. द ज्वाइंट कैन विदस्टैंड इन ईच केस, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड भी उसने दे दी है हम लोगों को 150 mm, तो मतलब हमारे पास क्या हो गया, एल कितना हो गया, 150 mm लेंथ ऑफ वेल्ड, ठीक है. और पहला केस डबल वी का है, और ये हमारे पास क्या हो गई, थिकनेस ऑफ प्लेट हो गई. एक मिनट, ठीक है. और अब इसने यहां पे क्या क्या गिवन है, और क्या गिवन है, सीधा क्या दे दिया हम लोगों को,
परमिसिबल स्ट्रेसेस दे दी है सीधा. परमिसिबल स्ट्रेसेस कितनी दे दी, 150 MPa. ठीक है, मेटापास्कल इसने हमें यहाँ पे दे दिया है, तो ये कितना हो गया 150. अब बताओ आप क्या करोगे, खुद बताओ. आप लोगों ने किए हुए ये न्यूमेरिकल. पहला केस हम बात कर रहे हैं सीधा डबल वी वेल्ड की. डबल वी वेल्ड है, ठीक है, और हम लोगों को लेंथ हो गई 150 mm. लेंथ ऑफ वेल्ड, ठीक है. थिकनेस कितनी लूंगी मैं यहाँ पे, पहले केस डबल वी कंप्लीट पेनिट्रेशन, तो थ्रोट थिकनेस कितनी हो जाएगी, खुद बताओ. 16 mm. ठीक है, अब मुझे बताओ क्या फर्क है. बस यहाँ पे सीधा फॉर्मूला क्या लगेगा, लेंथ ऑफ वेल्ड इंटू थ्रोट थिकनेस ऑफ वेल्ड इंटू क्या होगा, कौन सी वैल्यू, परमिसिबल वैल्यू. सीधा परमिसिबल वैल्यू, कोई पार्शियल सेफ्टी फैक्टर नहीं, क्योंकि क्लियर कट लिखा है बेटा ये परमिसिबल स्ट्रेसेस. मतलब जो भी हम वेल्डिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, जो भी वेल्डिंग कर रहे हैं, तो क्लियर कट मतलब क्या है कि उसमें स्ट्रेसेस कितने परमिटेड हैं ऑलरेडी. ठीक है, मतलब उसने ऑलरेडी इसको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करके वैल्यू दी है हमें, तो सीधा 150 MPa कर दोगे आप. ठीक है, तो वैल्यू कितनी आएगी बताओ जरा, 150 इंटू 16 इंटू 150, जल्दी बताओ. 3640 न्यूटन. ठीक है, न्यूटन में, और बाद में इसको किलो न्यूटन में चेंज कर दोगे. 360 किलो न्यूटन. करेक्ट, क्लियर है फर्क पहले वाले ढंग में और इसमें, बस इतना ही फर्क है, ये बस मैंने एक बताने के लिए. ठीक है, अब अगर ये वी वी डबल वी वाला, डबल वी वाले में क्या करते थे हम, डबल वी वाले केस में क्या करते थे, सीधा थ्रोट थिकनेस कितनी लेते थे, 5/8 इंटू 16, क्योंकि क्या बताया था उसमें प्रॉपर हमारी पेनिट्रेशन ऑफ वेल्डिंग मटेरियल नहीं होती, तो इसलिए 5/8 इंटू 16 करते थे. कितना हो गया 5/8 इंटू 16, 10 हो जाएगा, 10 mm. ठीक है, बस यही डिफरेंस है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम है. क्या हो जाएगा, 150 इंटू 10 इंटू 150, लेंथ ऑफ वेल्ड 150 है, थ्रोट थिकनेस 10 है, परमिसिबल स्ट्रेसेस 150 है, तो वैल्यू कितनी आएगी, 225 किलो न्यूटन. करेक्ट, क्लियर है दोनों का डिफरेंस, बस इसमें कंफ्यूज मत होना अगर पेपर में आपको सीधा परमिसिबल स्ट्रेसेस दिए हो, क्योंकि वाइल चेकिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड कि बच्चे ये गड़बड़ कर जाते हैं, क्योंकि कोड में फॉर्मूला पता होता है तो बाद में सीधा FY और FU का ध्यान नहीं रखते हैं कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो आप लोग सीधा परमिसिबल स्ट्रेसेस पुट करके दोबारा से उसको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से नहीं तो बच्चे कर देते हैं डिवाइड, वो गलती करते हो, वो ऑलरेडी गिवन है, तो उस केस में हमें ऐसे क्वेश्चन करना है. आई होप क्लियर है सबको. यस मैम. एक और, अब एक तो आपने बट वेल्ड का क्वेश्चन देख लिया, अब एक उसका देख लेते हैं फिलेट वेल्ड का. क्या कह रहा है क्वेश्चन में, व्हाट सेफ लोड, सेफ लोड की बात कर रहा है, व्हाट सेफ लोड अ फिलेट वेल्ड जॉइंट शोन कैन कैरी विदाउट एक्सीडिंग अ शियर स्ट्रीम. ऑलरेडी तुम्हें ये परमिसिबल वैल्यू दी है, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है परमिसिबल वैल्यू है, और साइज ऑफ वेल्ड दे रखा है 6 mm, और आपको क्या गिवन है कि ये 6 mm साइज है वेल्ड का, ये 100 है, ये आपका 75, तो ये वाली डायमेंशन कितनी है 100. निकालना क्या है कितना कितना ये सेफ लोड झेल पाएगा, तो लेंथ ऑफ वेल्ड कितनी हो गई, हाँ जी लेंथ ऑफ वेल्ड कितनी हुई, हंड्रेड प्लस 75 प्लस 100, ये वेल्डिंग कर रखी है ना, ये भी वेल्डिंग, ये भी वेल्डिंग, ये सारी वेल्डिंग करी हुई है, तो आपका कितना हो गया ये 275. हाँ, और थ्रॉट थिकनेस कैसे निकालते थे फिलेट के केस में, के इंटू साइज ऑफ वेल्ड, के हमारा कांस्टेंट था जो कि कितना था 0.7, साइज ऑफ वेल्ड कितना है 6 mm, इंटू 6 कर दो
तो कितना हो गया 4.2 mm. यहां तक क्लियर? अब आपको ऑलरेडी गिवन है कि परमिसिबल ये जो आपके शियर स्ट्रेसेस हैं कितने हैं, 108 MPa गिवन है, ठीक है. अब डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला पुट करोगे, लेंथ इनटू थ्रोट थिकनेस ऑफ वेल्ड इनटू जो आपकी ये परमिसिबल स्ट्रेसेस गिवन है. क्लियर है? बस ध्यान ये रखना है, अगर क्वेश्चन में सीधा FU FY ये गिवन है तो आप पूरा फॉर्मूला लगाओगे, नहीं तो आपको अगर क्वेश्चन में परमिसिबल स्ट्रेसेस तो सिंपल आप ये यूज करोगे, नहीं तो आपको बस ध्यान रखना है. आप परमिसिबल स्ट्रेसेस नहीं यूज कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप FU FY से कर लो, वो आपके ऊपर है. बट कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वाली गलती नहीं करनी है जो बाकी बच्चे कर जाते हैं कि FU FY की जगह आप ये पुट कर रहे हो. आपको पता है FU की वैल्यू कितनी होती है, FY कितनी होती है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है. ठीक है, जरा आंसर बताओ कितना आएगा, 275 इंटू 4.2 इंटू 108 कितना, 124.74 किलोन्यूटन. करेक्ट, क्लियर है बेटा डिफरेंस. आई होप अब सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे दोनों बुक्स के, अगर किसी को भी कोई भी बुक फॉलो हो रही हो. नेक्स्ट आपको बस एक चीज ये बतानी है, डिजाइन. वैसे आपको जो क्वेश्चन आता है ना, जैसे अभी ये वाला बताया पेपर में, पिछले साल का पेपर अगर आप देखो, पिछले साल नहीं पहले जो भी मेरे पास पुराना पड़ा हुआ है, तो इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, एक एक बार ये वाला और एक बार ये वाला. ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा चलो एक बार आप लोगों को ये बता दूं. अब अगर हम बात करें डिजाइन ऑफ वेल्ड, डिजाइन ऑफ वेल्ड जब कभी भी हमें करना है, हमें क्या क्या चाहिए, साइज ऑफ वेल्ड चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर एमएम लेंथ. हमें मतलब क्या है, हमें कई क्वेश्चन में क्या होगा, हमें साइज ऑफ वेल्ड नहीं गिवन होगा, हम खुद डिसाइड करेंगे. और वो डिसाइड कैसे, आपको याद हो मैंने आपको कोर्ट में भी बताया था, हमने गाइडलाइंस पढ़ी थी मिनिमम कितना साइज यूज करना होता है, मैक्सिमम टेबल अगर आपको याद हो बताया था, वहां पे टेबल बना हुआ था मिनिमम और मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड के लिए, कि अगर आपकी प्लेट की डायमेंशन 10 mm की है तो 3 mm का मिनिमम प्रोवाइड करते हो आप वेल्ड. अगर प्लेट का साइज 10 mm से 20 mm तो 5 mm का साइज ऑफ वेल्ड प्रोवाइड करोगे. टेबल के अंदर आपका कोड्स के अंदर टेबल 21 और आपका क्लॉज 10.5.2.3 के अंदर था ये साइज ऑफ वेल्ड वाला, आप उस क्लॉज को फॉलो करोगे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के लिए अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा. अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, जो भी वैल्यू गिवन है साइज ऑफ वेल्ड वो पिक कर लोगे. सेकंड चीज, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर एमएम लेंथ, कितना स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड. आपको नहीं पता होगा, लेंथ नहीं गिवन होगी तो क्या करते हैं हम एज्यूम करते हैं कि चलो हम 1 mm के लिए लेंथ कितनी ले लेते हैं, 1 mm के लिए स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड निकाल ले. 1 mm के लिए निकाली, थिकनेस हमें पता ही है, हम यहां से साइज ऑफ वेल्ड से थिकनेस निकाल लेंगे और परमिसिबल स्ट्रेसेस जो भी होंगे उसको यूज करके स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड निकाल लेंगे. जब स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड आ जाएगी तो राजे हमें जब भी डिजाइन करना होता है हमें और क्या गिवन होता है कि जो भी हमारी प्लेट है, ठीक है, जो भी हमने ज्वाइंट बनाया है हमें क्या गिवन होगा, उस ज्वाइंट के जो भी वेल्डिंग के ऊपर जो भी लोड लग रहा होगा हमें वो गिवन होगा. ठीक है, तो जो वो लोड हमें गिवन होगा हम वो वैल्यू पुट कर देंगे और स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड 1 mm वाली की जब उसको डिवाइड कर दोगे लोड से 1 mm को तो हमारे पास क्या आएगा, लोड आएगा, सॉरी लेंथ आएगी. तो हमें यह पता चल जाएगा कि हमें टोटल कितनी लेंथ ऑफ वेल्डिंग प्रोवाइड करनी है. क्लियर है क्या बोला मैंने? हाँ जी बोलो, क्लियर है कि नहीं, कि मैं दोबारा बोलूं? रिपीट करती हूँ. देखो क्या है, डिजाइन ऑफ वेल्ड की बात कर रहे हैं, हमें सिर्फ गिवन क्या होगा कि डिजाइन ऑफ वेल्ड में एक्सटर्नल लोड जो भी हमने डिजाइन बनाना है, मान लो एक प्लेट ये हम यहाँ पर इसको वेल्डिंग प्रोवाइड करनी है, हमें क्या गिवन होगा कि हमें इसके ऊपर कितना लोड लग रहा है, हमें लोड की वैल्यू पता होगी कि हमने जो भी डिजाइन करना है उस पर लोड कितना लग रहा है. तो अब डिजाइन करना है, डिजाइन में क्या क्या होगा, हमें ये पता होना चाहिए साइज ऑफ वेल्ड कितना होना चाहिए. साइज ऑफ वेल्ड के लिए मैंने आपको क्लॉज बताया और टेबल 21 कोड का,
उसमें गिवन है मिनिमम मैक्सिमम हमें कितना वर्ल्ड का साइज देना चाहिए. अगर 10 mm की प्लेट का साइज है तो 3 mm, 10 से 20 mm की तो 5 mm से वर्ल्ड का साइज मिनिमम होना चाहिए. मैक्सिमम की तो गाइडलाइंस हमने करी थी, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों की, ठीक है. मैक्सिमम का अगर आपको याद हो, ये मैंने आपको ये बनवाया था ऐसे वाला एक डायग्राम से बताया था ना, कि अगर हम दो प्लेट्स को ऐसे जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो कितना इसकी ये साइज कितना होना चाहिए. मान लो अगर एक प्लेट इस तरह से जुड़ रही है, एक स्मॉल साइज प्लेट है, ठीक है, तो कितनी वैल्यू थिनर साइज का आपको वेल्ड का साइज लेकर चलना है. या फिर अगर आप दो प्लेट्स को यूज कर रहे हो, जोड़ रहे हो, अगर मान लो एक इधर है एक इधर, आपको वेल्ड प्रोवाइड करना है, तो बताया था ना कि 1/4t इसमें से माइनस कर दो या फिर -1.5 कर दो. याद आया डायग्राम से मैंने आपको बताया था, कोड में पेज नंबर पे भी दिखा था, वहां पे आप आज गो थ्रू करना कि मिनिमम मैक्सिमम वाला कोड में क्या था, ठीक है, हमने गाइडलाइंस करी है. तो जब आपको लोड गिवन होगा, साइज ऑफ वेल्ड पता चल जाएगा, तो आपको क्या करना है, आपको लेंथ नहीं पता है, हमें चाहिए क्या है, लेंथ भी तो पता करनी है कि वेल्डिंग कितनी लेंथ के लिए प्रोवाइड करनी है लोड के लिए जो भी लग रहा है उसके ऊपर. तो आपको परमिसिबल स्ट्रेसेस पता होंगे, हमें ये नहीं पता कि स्ट्रेंथ कितनी लेंथ के लिए निकालनी है. तो हम बोलते हैं चलो 1 mm लेंथ के लिए, स्टैंडर्ड 1 mm लेंथ के लिए हम इसकी वेल्ड की स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं. परमिसिबल वेल्डिंग के अंदर जितने भी स्ट्रेसेस होंगे वो इंटू लेंथ ऑफ वेल्ड कितनी 1 mm के लिए इंटू उसकी थ्रॉड थिकनेस जो कि इधर से आ जाएगी साइज ऑफ वेल्ड से, ठीक है. अब उसके बाद क्या करना है, हमें टोटल लेंथ निकालनी है. आप क्या करोगे, जो स्ट्रेंथ पर एमएम लेंथ की आ रही है, आप लोड को उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो. हमारे पास बाद में क्या बचेगा, लेंथ बचेगी. क्लियर, ठीक है. तो लेंथ की वैल्यू आएगी एमएम में, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी, कितने लेंथ का हमें वेल्डिंग प्रोवाइड करनी है. हमें ये मेंबर पता है कौन से होंगे, हमें ये नहीं पता कि कितनी लेंथ की वेल्ड प्रोवाइड करनी है कि वो लोड में क्या हो, एक्सटर्नल लोड में सेफ हो. तो वो लेंथ निकालने के लिए क्या है, लोड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड करना है, ठीक है. आप बाद में हमें ये डिसाइड करना है जब वेल्डिंग की लेंथ आ गई तो लेंथ की डिस्ट्रीब्यूशन कि इस साइड पे कितना लगेगा, इस साइड पे कितनी वेल्डिंग होगी, इस साइड पे कितनी वेल्डिंग होगी. क्लियर है. तो ये आपके डिजाइन के स्टेप्स हैं. एग्जाम्पल करके देखते हैं, ये इसको थोड़ा इलैबोरेटिव जो मैंने समझाया वो थोड़ा इलैबोरेटिव फॉर्म में लिखा हुआ है, जब आपको पढ़ना होगा इसमें से पढ़ लेना. आपको अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है हाउ टू डिजाइन वेल्डेड जॉइंट्स, तो आपको ये स्टेप्स लिखने होंगे. साइज ऑफ वेल्ड आपको बताना होगा, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर एमएम लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ वेल्ड और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्ड, ये स्टेप्स आपको क्लियरली डिफाइन करने रहेंगे. क्लियर है. नेक्स्ट अब जरा एक न्यूमेरिकल करके देखो, इसी का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम. 3.9 है ये आपका बुक्स में. क्या कह रहा है, डिजाइन करना है 8 mm लेंथ, 8 mm फिलेट वेल्ड. तो आपका 8 mm क्या हो गया बेटा, साइज ऑफ वेल्ड. करेक्ट, 8 mm क्या है, साइज ऑफ वेल्ड है, ठीक है. यही हमें डिजाइन करना है. क्या बोल रहा है, डिजाइन 8 mm फिलेट वेल्ड फॉर द जॉइंट एज शोन इन फिगर 3.17, इसमें शो कर रखा है, ठीक है. टेक FST, मतलब इसने आपको क्या दे दिया, परमिसिबल वैल्यूज दे दी है, ठीक है, 150 MPa, और ये क्या दे दिया, 108 MPa, ठीक है, दोनों आपको वैल्यूज गिवन है. अब आपको क्या करना है, डिजाइन करना है. इट मीन्स आपको क्या निकाल लिया, लेंथ निकाल ली है. सबसे पहली चीज क्या है, आपको यहाँ पे लेंथ दिख रही है, ठीक है, फिलेट वेल्ड के लिए आपको ये गिवन है. इधर यहाँ पे 150 इस पे प्लेट्स पे हो गया, और इधर आपका मतलब ओवरऑल इन्होंने पूरा डाटा हमें दे रखा है, ठीक है. अब टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी इस केस में, चार साइड्स पे हमारी वेल्डिंग अगर हम कंसीडर करें इस तरह से हमें जो दे रखा है, 4 sides ऑफ वेल्डिंग हो जाएगी हमारे पास. थ्रोड थिकनेस कितनी हो जाएगी, 0.7 इंटू 8 mm, कितना हुआ थ्रोड थिकनेस,
5.6 mm. ठीक है, अब हमें स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm लेंथ हमें पता तो है नहीं है, तो पर mm लेंथ के लिए मैं बोल लूं कि ए लेंथ मेरी मैं कंसीडर करके चल रही हूँ 1 mm. ठीक है, तो लेंथ कितनी हो गई 1 mm इनटू क्या कर देंगे हम लोग थ्रोट थिकनेस, थ्रोट थिकनेस कितनी होगी 5.6. ठीक है, फिलेट वेल्ड की बात हो रही है तो वैल्यू फिलेट वेल्ड में कितनी लेके चलनी है हम लोगों को 108 वाली परमिसिबल स्ट्रेसेस, तो इनटू क्या किया 108. जब आप इसको करोगे तो आपके पास ये वैल्यू किस चीज की आ रही है, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm लेंथ की, मतलब 1 mm की वेल्ड की कितनी स्ट्रेंथ आ रही है, मतलब अगर मैं बोलूं कि 1 mm वेल्ड की 1 mm की कितनी स्ट्रेंथ आ रही है, तो मैंने क्या किया लेंथ कितनी ले ली 1 mm, ये हमारा क्या हो गया थ्रोट थिकनेस, ये हमारा जो क्वेश्चन है हम लोगों को परमिसिबल स्ट्रेसेस गिवन है फिलेट वेल्ड के लिए 108. तो जरा इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, बताइए 1 mm इंटू 5.6 इंटू 108 करके कितना आया, किया कैलकुलेट 604.8 कितना न्यूटन में. ठीक है, यस मैम. अब आप यहाँ पे देखो एक्सटर्नल लोड गिवन है, कितना लगेगा एक्सटर्नल लोड बताओ, ये वैल्यूज हमारी किसकी थी, तो परमिसिबल स्ट्रेसेस की है, एक्सटर्नल लोड आप बताओ कितना लग रहा है, डायग्राम में गिवन नहीं है, ये टेंसाइल फोर्स लग रही है 300 किलो न्यूटन इधर और 300 इधर, ये 150 ये 150, तो ओवरऑल कितनी हो गई 300 ना, कितनी 600. अरे नहीं बाबा 600 कैसे, आप लोगों ने इक्विलिब्रियम नहीं किया क्या, अगर एक फोर्स इधर लग रही है तो यहाँ पे भी तो फोर्स सेम लगती है, तो मतलब टोटल फोर्स कितनी हो गई एक डायरेक्शन में जो लग रही है 300. इसका मतलब ये नहीं कि दोनों फोर्सेस ऐड, ये तो मतलब ये हो गया कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन फोर्सेस, मतलब 300 इधर लग रही है बाहर को तो 300 इधर, कहने का मतलब ये होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो ऐसे 600 मत लिख देना, इसीलिए मैं पूछ रही थी टोटल फोर्स बताओ, तो टोटल फोर्स एक्सटर्नल कितनी लग रही है 300 किलो न्यूटन. ठीक है, तो आपको क्या बताया था अभी, आपको पर मीटर स्ट्रेंथ पता, पर mm स्ट्रेंथ पता चल गई 604.8 न्यूटन. ठीक है, अब आपको अप्लाइड फोर्स कितनी लग रही है, बाहर से जो फोर्स लग रही है कितनी लग रही है 300 किलो न्यूटन, ये वैल्यू न्यूटन में है, ये किलो न्यूटन में है, तो आपको यूनिट सेम चाहिए, तो आप इसको क्या करोगे किलो न्यूटन से न्यूटन में कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये थ्री हंड्रेड इंटू 10^3 न्यूटन में यही होगा, भाई बोलो हाँ या ना, नहीं समझ आ रहा है तो भी बोलो, दोबारा बोलूं बेटा, फनिश आस्था समीना क्लियर है क्या बोला मैंने, यस मैम. ठीक है, हमें ये पता चल गया कि पर mm कितनी स्ट्रेंथ है वेल्ड की और ओवरऑल लोड कितना लग रहा है, अगर मैं ओवरऑल लोड को, मेरे को इतना पता है कि मेरा ओवरऑल लोड जो लग रहा है पूरा 3000 न्यूटन लग रहा है, सॉरी 300 इंटू 10^3 न्यूटन लग रहा है, और जो टोटल फोर्स लग रही है, जो स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर mm आई है, ये किसना है, ये कितना है न्यूटन पर mm है ना, 1 mm की आई है ना ये, तो मेरे को लेंथ ऑफ वेल्ड चाहिए कि लेंथ ऑफ वेल्ड कितना होगा, लेंथ ऑफ वेल्ड, ओवरऑल वेल्ड की लेंथ चाहिए ना, कितना होगा, तो आप कैसे निकालोगे, अभी आपको बताया था जो टोटल लोड है जो बाहर से एक्सटर्नल लोड लग रहा है कितना 300 इंटू 10^3 न्यूटन, और ये मेरा क्या है 604.8, ये कितना वैल्यू है वेल्ड का पर mm, 1 mm के लिए स्ट्रेंथ था ये. ठीक है, अब जब आप इसको 1 mm के लिए, तो आपके पास ओवरऑल लेंथ आ जाएगी ना वेल्ड की, ये पर mm थी ना, तो अब मेरे को बताओ जब आप इसको डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आ रही है, फोर नाइनटी सिक्स पॉइंट जीरो थ्री
496.03 mm. तो इतनी लेंथ ऑफ वेल्ड ऑन एन अप्रोक्स हमें पूरी चाहिए इस पूरे इसको कंप्लीट अप करने के लिए. ठीक है, तो आपका ये जो वेल्डिंग का डिजाइन, मतलब जब आप लेंथ देखो तो मतलब आपका ओवरलैप इस हिसाब से कितना होना चाहिए, कितना आपको एक साइड में कितनी डायमेंशन लेंथ कितनी प्रोवाइड करनी रहेगी. टोटल अगर आप डायग्राम देखो तो आपका इस तरह से है, तो एक इधर हो गया इधर, और अगर आप टोटल देखो अगर चारों साइड पे अगर आप इसको प्रोवाइड करते हो वेल्ड को, ठीक है, अगर चारों साइड पे करते हो तो डिवाइड बाय क्या करोगे, फोर. अगर सिर्फ दो साइड पे अगर आपको गिवन है कि सिर्फ दो साइड पे प्रोवाइड करना है तो डिवाइड बाय क्या करोगे, टू. लेकिन लेंथ अगर इस हिसाब से जैसे हमें नहीं गिवन है, प्लेट्स का साइज नहीं गिवन है, तो आपको उस हिसाब से क्या करना रहेगा, एकोमोडेट करनी रहेगी. अगर हम लोगों को गिवन होता कि प्लेट का साइज क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको डिवाइड करूं बाय फोर, करना जरा इसको बाय फोर डिवाइड. वन टू फोर कितना आ रहा है, 124 mm. ठीक है, अगर प्लेट का साइज गिवन होता कि इसकी ये लेंथ कितनी है, तो हम ये चेक करते कि ये लेंथ कितनी अकोमोडेट कर पाएगा, ओवरलैप कितना कर पाएगा. अगर मान लो मैं बोलूं कि सिर्फ दो साइड पे ही करनी है प्रोवाइड, ठीक है, तो डिवाइड बाय क्या कर दोगे, टू कर दोगे, तो एक लेंथ इधर हो जाएगी एक लेंथ इधर हो जाएगी. लेकिन हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि हम चारों साइड पे वेल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमने डिवाइड बाय क्या कर दिया है, फोर कर दिया है. अगर आपको इस केस में यहाँ पे प्लेट का साइज नहीं गिवन है, कुछ केसेस में अगर प्लेट का साइज गिवन होगा, एक जस्ट एग्जाम्पल दे लूं, ठीक है, मान लो 200 mm है, ठीक है, तो आप ओवरलैप वाली कंडीशन देखोगे कि ओवरलैप कितना कर सकते हो, उसके हिसाब से आप प्रोवाइड करोगे. यहाँ पे तो गिवन ही नहीं है, तो हमने बोल दिया कि हम चारों साइड अगर वेल्डिंग प्रोवाइड करते तो डिवाइड बाय फोर, तो वन साइड पे कितनी आ जाएगी वेल्डिंग, 124 mm आ जाएगी. ठीक है, उस हिसाब से आप प्रोवाइड कर सकते हो. क्लियर है ये वाला? ऐसे आपके डिजाइन का न्यूमेरिकल्स आएंगे, अगर आएगा तो बिल्कुल बेसिक आएंगे, ज्यादा आप लोगों को है नहीं सिलेबस में, सिर्फ एक्सियल फोर्सेस वाले ही हैं. ठीक है, मैं आपको इसका इनके सॉल्यूशंस भेज दूंगी ग्रुप में, एक बार इनको गो थ्रू करना. कुछ कंडीशन थी मैम बच्चा, ये कोड्स में मैंने मार्क करवाई हुई है कितना आप ओवरलैप कर सकते हो प्लेट्स को. रुको, लेट मी टेल यू. ओवरलैप वाला क्लॉजेस अपने ओपन करना, नोट्स जो भी भेजे थे ना उनमें ओपन करना, ओवरलैप वाला पॉइंट होगा उसमें कि आप कितनी प्लेट ओवर. रुको, लेट मी टेल यू. जो नोट्स भेजे उसमें ओवरलैप वाला 10.5.1.2 फोर टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट. It should not be less than 4 times the thickness of thinner plate. Check karna apna clause number 10.5.1.2 overlap of plates. ठीक है, basics आएंगे आप लोगों को बिल्कुल इस तरह के numericals आएंगे. Clear है? Yes ma'am. कुछ न्यूमेरिकल्स जो सॉल्व होंगे बुक्स के आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए विद सॉल्यूशन भेजूंगी, उनको गो थ्रू करना एक बार. काफी है इतने एग्जांपल्स आप लोगों को, इससे ज्यादा आप लोगों को टाइप नहीं आने वाली है. अब कल से जो भी लेक्चर लगे उसमें हम टेंशन मेंबर शुरू करेंगे. ठीक है,